हेलो एवरीवन, नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, एसएससी का न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो पूरा प्रोसेस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। 39,481 पदों के लिए बम्फर भर्ती है हाई स्कूल पास युवाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर को ओपन करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। 4 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आपको डालना है, पासवर्ड और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमने सबमिट कर दिया है, अब हमें यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप दिखा रहा है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड नंबर, यानी कि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार नंबर, यानी कि वेरीफाई आधार कार्ड नंबर को फिर से हमें दोबारा डालना होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना नाम वेरीफाई करते हुए डबल स्टेप में आपको कंप्लीट कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आपको डालना है बिल्कुल जो भी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिलअप करेंगे और बिल्कुल सही से फिलअप करेंगे, जिस प्रकार से हमारा बिल्कुल सही से रजिस्ट्रेशन यानी कि पासवर्ड क्रिएट हो सके, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, फिर हमें लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, अपना पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे भर लेते हैं, जैसे कि आधार नंबर हो गया, नेम, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, इस प्रकार से मेल को हम वेरीफाई कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है। ठीक है, जो भी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही से यहाँ पे सिलेक्ट करके हमें वेरीफाई कर देना है। और इस प्रकार से हम वेरीफाई कर लेते हैं और देख सकते हैं वेरीफाई फादर्स नेम। ठीक है, जो भी आपका फादर नेम है उसको यहाँ पे डालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट यानी कि वेरीफाई आधार पे यहाँ पे वेरीफाई फादर नेम पे भी हमको अपने फादर का नाम डाल के वेरीफाई कर देना है। बिल्कुल जो आप स्टेप ऊपर भर रहे हैं वही स्टेप आपको वेरीफाई में भरना है। ठीक, तभी आपका जो है सेम बिल्कुल स्पेलिंग्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए। इतना भरने के बाद आपको मदर नेम भरना है। ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई नेम में भी आपको मदर नेम डालना है। तो दोस्तों, मेट्रिकुलेशन इनके हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो बोर्ड जो भी आपका है यूपी बोर्ड है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई के यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेंगे यूपी बोर्ड। ठीक है, और रोल नंबर जो भी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में है देख के आपको फिलअप कर लेना है, उसको भी वेरीफाई यहाँ पे कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी स्टेप यहाँ पे वेरीफाई के लिए मांगी जा रही है, आपको जो कॉलम दिया गया है बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल जो है वो फिलअप करेंगे। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका हाई स्कूल है किस साल में आपने कंप्लीट किया है, पास किया है, उसको यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई पासिंग ईयर पे भी आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आपके पास ग्रेजुएशन है, इंटर है, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में। ठीक है, नीचे भी आपको वेरीफाई कर देना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, आपके पास ग्रेजुएशन है, एमए है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई डिप्लोमा है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमने डाल लिया है ग्रेजुएशन, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं नीचे की कॉलम में। और इस प्रकार से हमने पूरा स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे फिलअप करना है जिससे हमें ओटीपी प्राप्त हो सके। अब यहाँ पे डालेंगे हम कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ओटीपी के लिए मांगा जा रहा है, ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है और हमें ओटीपी प्राप्त होगा तो उसको वेरीफाई हमें करना होगा। ठीक है, इंटर मोबाइल ओटीपी, अब हमें ओटीपी प्राप्त हो चुका है, वैलिडेट कर देना है, हमारा ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि हमारा जो ओटीपी प्राप्त हुआ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम कैंडिडेट का ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, जो भी कैंडिडेट का ईमेल आईडी है उसको, उस पर हमें ओटीपी प्राप्त होगा, वैलिडेट करेंगे और सेव नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम जैसे ही फिलअप करेंगे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाएगा, उसको हम नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन का। आप यहाँ पे करेंगे तो हेलो कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड आपका ईमेल पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ईमेल आप डालेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिल जाएगा, उसको पासवर्ड को डालेंगे और कैप्चा को डालेंगे और यहाँ पे
साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चाहे तो आप पासवर्ड को भी देख सकते हैं, जो भी पासवर्ड है उसको। और हम जैसे साइन के क्लिक करेंगे, फिर से हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड जो भी हमें प्राप्त हुआ है, एक नया पासवर्ड हमें क्रिएट कर लेना है जो मिक्स हो, ठीक है, अपना कैपिटल हो और स्मॉल हो और स्पेसिफिक करेक्टर हो, अंक हो, ठीक है। तो ये सबको डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दो क्वेश्चंस होंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस नंबर वन में आपको जो भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, उसको डालने के बाद उसका हमें, अगर हम सिटी को चूज करते हैं तो जो भी आपका सिटी है उसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिटी का ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया है और सिटी को यहाँ पे डाल लेते हैं। सेकंड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस में हम जो भी सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप किसी बुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फ्रेंड को या स्कूल नेम को भी यहाँ पे डालेंगे और सेव के ऑप्शन पे करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर से हमें अपना रजिस्ट्रेशन डालना है, और जो भी हमने पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट किया था, एक नया पासवर्ड जनरेट किया था, उसको हमें डाल लेना है। उसको डालने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा जो दिया गया है, उस कैप्चा को हमें यहाँ पे डालना होगा। जो भी आपको कैप्चा दिया गया है, उसको कैप्चा को बिल्कुल सही से फिलअप करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, अब लॉगिन के लिए तैयार है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो चुका है। एडिशनल यहाँ पे वेरीफाई करेंगे आपका जो भी कास्ट है, कास्ट कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगर आप भारत से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा चिन्ह आपको यहाँ पे डालना है जो आपके बॉडी में हो, मार्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक। तो अगर बॉडी में आपके तिल है तो उसको भी डाल सकते हैं, बॉडी ऑन द तिल, या मस्सा जो भी है, या चोट का निशान है, जो भी घाव का निशान, उसको हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, विजुअल के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आधार कार्ड में, उसको देख के आप फिलअप कर सकते हैं बिल्कुल सही से, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको आपके एड्रेस पे जो है विजिट हो सके, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन सबको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे हम बिल्कुल सही से फिलअप कर लेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, ठीक है, सिटी है, जो भी है, पिन कोड है, उसको सभी को हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। और जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, स्टेट पूछा जा रहा है कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में, उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक स्टेप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिस नहीं होगी, कोई भी फॉर्म SSC GD का फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका पिन कोड एरिया का, उसको यहाँ पे डालेंगे। और इस अगर आपका एड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम है, तो हम यस के ऑप्शन पे क्लिकेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एड्रेस हो जाएगा, और से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन हमारा कम्प्लीट हो चुका है, टिक करेंगे आई एग्री पे। और यहाँ पे प्रीव्यू OTR हम देख सकते हैं, देखना चाहें, लेकिन नहीं तो हम डिक्लेयर कर देंगे। तो हमारा अब क्या होगा, एक नया अकाउंट SSC OTR वन टाइम पासवर्ड का हमारा क्रिएट हो चुका है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पे अवेलेबल आपको शो हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना है, जो भी वैकेंसी आपकी आएगी SSC में, तो उसको यहाँ से हमें लॉगिन कर लेना है अपने रजिस्ट्रेशन पासवर्ड को, और यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, हम SSC GD में अब अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते, हमने ओपन कर लिया है फॉर्म अप्लाई के लिए, हमारा डिटेल पहले से फिलअप है, नेक्स्ट करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे हमने पहले ही डाल रखा है, जो कि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया था, ठीक है। चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को, चाहे तो वही क्वालिफिकेशन आप रहने भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ऑलरेडी पहले से सारा सब कुछ फिलअप है। अब यहाँ पे हाई स्कूल परसेंटेज मांगा जा रहा है दोस्तों, कुछ कॉलम है जो आपको भरने होते हैं, बिल्कुल बाकी सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल देखते हुए, अपनी कॉलम को जांच करते हुए, बिल्कुल सही से भरते हुए जाना है, जिससे फिर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आपको ना पड़े, ठीक है, सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वालिफिकेशन का परसेंटेज यहाँ पे डाल लिया है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये भी हमारा सफलतापूर्वक स्टेप जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे हमारा कास्ट देख सकते हैं, जो भी है यहाँ पे, एज मांगा जा रहा है, एज में अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, जो भी कास्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर लेना। तो ये भी हमारा स्टेप कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो
इस प्रकार से एक एक स्टेप बिल्कुल सही से मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है एसएससी जीडी में, जिससे आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कोई भी फॉर्म मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हैं आपको एग्जाम सेंटर्स, ठीक है, 24 कॉलम है, एग्जाम सेंटर आपको चूज करने हैं 3। तो जो भी आपका नजदीक एग्जाम सेंटर हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे देख सकते हैं बरेली कर लिया है, लखनऊ कर लिया है, और तीसरे पे हम गोरखपुर कर सकते हैं, प्रयागराज, जो भी आपको मन करे कानपुर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस अवेलेबल सेंटर है, जो भी आप जहाँ भी एग्जाम आपको सही लगे वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को। अब यहाँ पे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो एग्जाम देना चाहते हैं कंप्यूटर बेस्ड पे, जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा, तो आपको जो एग्जाम देना है उसका लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तो हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होती है, नहीं है तो नो कर देंगे। जो भी आपके स्पोर्ट्स डिफेंस में डिस्ट्रिक्ट में लेवल में आपने प्रतियोगिता ली है तो उसको यस करेंगे, उसका डिटेल भरेंगे, नहीं तो नो करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाना है, अपना स्टेट चूज करना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मांगा जा रहा है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपने क्या किया है, रहन सहन हो सकता है आपका, तो आप यस करके इसको भरना होता है। अगर नहीं तो आप एक ही स्टेट के हैं निवासी तो उसको आपको नो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग इज द मिलिट्री नक्सल इंडिफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सलवाद से है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका वार्ड से रिलेटेड होगा, तो जिसके ऑप्शन पे आपको ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट प्रेफरेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका पोस्ट है, यहाँ पे लगभग देख सकते हैं 7-8 पोस्टें हैं इस प्रकार की, BSF, CISF, तो ये आपको जो भी पोस्ट आपको सही लगता है एक नंबर पे पहले फिलअप करने के लिए, तो उसको यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगा पहले उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम इसको भी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो जैसा कि जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसको क्या सही लगता है या आपको क्या सही लगता है उसके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में आपको डालना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिए गए पोस्ट डिटेल उसको देख सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाल लेना, ठीक है। वेरीफाई पे भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आएंगे सेव नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना, तो ये भी हमारा डिटेल जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है फोटो का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें फोटो अपलोड कर देना, अपने सिग्नेचर अपलोड कर देना है, आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, बिल्कुल ब्लैक वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। फोटो प्रॉब्लम कोई अपलोड करने में कोई दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कैसे आपको फोटो अपलोड करना है हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे, तो हम देख सकते हैं हमारा फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों हमें फॉर्म को सबमिट करना है, फाइनल सबमिट करना है, और उसके बाद में हमें प्रिंट यानी कि पेमेंट करना है, ठीक है। अगर आप OBC EWS कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आपको प्रिंट यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा। पहले हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है पेमेंट के लिए, ठीक है। 100 रुपये यहाँ पे SSC GD के जन OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस है, तो उसको हमें यहाँ पे पेमेंट करना है दोस्तों। इस प्रकार से अपना पेमेंट कर सकते हैं, चाहे UPI माध्यम से, किसी बैंक के माध्यम से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी थ्रू के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं UPI के माध्यम से करता हूँ, ये QR कोड के माध्यम से, जो भी 100 रुपीज है इसको ऑनलाइन पे कर देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपना ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम प्रिंट आउट को भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती की जितनी वैकेंसियाँ हैं आप आराम से स्टेप बाय स्टेप वही रजिस्ट्रेशन से आप लाइफ टाइम तक अपनी फॉर्म को अप्लाई करते रहिएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी राय हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। SSC GD कॉन्स्टेबल का फॉर्म आपका सबमिट हो सकता है, आपका कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पे एक्सलेंस गाइड के। तो इस प्रकार से अपना एक रिसिप्ट या फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।